तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल 1 अप्रैल से भारत में नया वित्त वर्ष शुरू हो गया और इसी के साथ देश में बदल गए हैं 7 नए नियम। बताएंगे आपको इन सभी नियमों के बारे में, साथ ही मिलेंगी आज की सभी मुख्य खबरें, आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस। दोस्तों, आज 2 अप्रैल हो गया, समाज, दुनिया, बिजनेस, नौकरी, सरकार से जुड़ी सभी बड़ी और जरूरी खबरें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इन खबरों की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं जो नियमों में बदलाव हुए हैं। घर खरीदना सस्ता, कार खरीदना महंगा हो गया है, देश में लागू हो गए हैं ये 7 नियम। जी हाँ दोस्तों, घरों पर GST की नई दरें लागू होंगी, अब सिर्फ 1-5% तक टैक्स लगेगा। टाटा मोटर्स की कारें 25,000 रुपये तक महंगी होंगी, 5 लाख रुपये तक की आय, बैंक डाकघर में जमा पर 40,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं डिटेल में, जैसे टैक्स में राहत मिली है, रेपो रेट घटते ही कम होगा ब्याज, घरों पर अब 1-5% GST। जी हाँ दोस्तों, कनेक्टिंग ट्रेन छूटी तो रिफंड मिलेगा, बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकेंगे, 6 कंपनियों की कारें होंगी महंगी। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। तो वहीं 7वीं जो नियम बदला है, 7वां नियम है, देना और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है विलय। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों बैंकों हो गई हैं एक, अब बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है इसका बैंक। जी हाँ दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से नहीं बढ़ेगी वाहन इंश्योरेंस दरें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह राहत की खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि नए वित्त वर्ष में भी बाइक, कार या कमर्शियल गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यानी 1 अप्रैल से आपकी कार की प्रीमियम मौजूदा साल की अपेक्षा और कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि हर साल बीमा कंपनियां डिप्रिशिएशन कटौती करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सुकन्या समृद्धि, PPF और NPS की ब्याज दरों पर सरकार का फैसला, 1 अप्रैल से लागू। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सारी स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF पर 8%, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5%, वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.7%, राष्ट्रीय बचत पत्र पर 8%, किसान विकास पत्र पर 7.7%। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहीं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस नोटिस को पूरा पढ़ सकते हैं। तो वहीं बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की 1 लाख रुपये तक की फीस देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी स्टूडेंट के लिए खबर है। अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों के जो बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वे नया सवेरा योजना का लाभ उठा सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी। जो भी विद्यार्थी तकनीकी पेशेवर कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा विदेश की यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए भाषा या अभिरुचि परीक्षा आदि देना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट कोचिंग की सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, ऐसे कर सकते हैं आप आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आप जा सकते हैं इस योजना में शामिल होने के लिए। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अपने सभी दस्तावेज PDF फॉर्मेट में तैयार रखें। जी हाँ दोस्तों, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी, सरकार ने अंतिम दिन लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च से 6 माह आगे बढ़ी अंतिम तिथि, अब हुई 30 सितंबर। 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है आयकर विभाग। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं हुआ है। इस साल अब तक दायर किए जा चुके हैं 6.31 करोड़ रिटर्न। 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार की जानकारी देना होगा अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी खबर हो सकती है दोस्तों। तो वहीं बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। 3 बैंकों के विलय के साथ आज से अस्तित्व में आया देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। इसमें शामिल हो गए हैं 2 नए बैंक, देना बैंक और विजया बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अंतरिक्ष में एक और छलांग, दुश्मनों पर बाज की नज़र रखेगा MSAT, इन वजहों से है खास। जी हाँ दोस्त, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल सुबह 9:27 पर PSLV C-45 को लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्री
श्रीहरिकोटा स्थित स्थित धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्वदेशी सर्वलांस सैटेलाइट एमसैट के साथ 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। नासा की तरह आम आदमी को रॉकेट लॉन्चिंग दिखाने के लिए करीब 5,000 दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम जैसी गैलरी स्थित धवन अंतरिक्ष केंद्र में तैयार की गई थी। जी हाँ दोस्तों, पढ़ सकते हैं आपको डिटेल में ये। जी हाँ दोस्तों, ये DRDO की इसरो की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बहुत मदद मिलेगी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी होगी भारत। तो चलिए दोस्तों और नज़र डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी फायरिंग में BSF अफसर शहीद, एक 5 साल की बच्ची की भी मौत। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे अग्रिम इलाकों में सोमवार को भारी गोलाबारी की, जिसमें BSF का एक अधिकारी शहीद हो गया, जबकि एक अन्य 5 साल की लड़की की भी मौत हुई। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक ने कांग्रेस से जुड़े 687 पेजों को हटाया। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले फेसबुक ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े 687 पेजों और अकाउंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि अपमानजनक व्यवहार के चलते देश की मुख्य विपक्षी पार्टी से जुड़े इन पेजों को हटाया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, चीन का दावा, मसूद अजहर के मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। चीन ने सोमवार को दावा किया है कि पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के मुद्दे को सुलझाने में सकारात्मक प्रगति हुई है। साथ ही उसने अमेरिका पर मुद्दे को सीधे सुरक्षा परिषद में ले जाकर गलत उदाहरण पेश करते हुए उसके प्रयासों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अगली बड़ी खबर, अप्रैल में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जाने पूरी लिस्ट। अप्रैल महीने के पहले दिन आज बैंक ग्राहकों के लिए बंद है, क्योंकि बीते शनिवार और रविवार वित्तीय वर्ष खत्म होने के कारण बैंक खुले हुए थे। इस महीने में बैसाखी, रामनवमी, गुड फ्राइडे और महावीर जयंती जैसे त्यौहार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। तो वहीं आज की अगली बड़ी खबर, हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने 2015 के बिस्पुर दंगा मामले में उन्हें दोषी ठहराया जाने के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सोमवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। पटेल की याचिका मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए आ सकती है। जी हां दोस्तों, तो आज की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने शांति प्रिय हिंदुओं पर आतंकी होने का ठप्पा लगाया पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने शांति प्रिय हिंदुओं पर आतंकवादी होने का ठप्पा लगाने और धर्म मार्ग पर चलने वालों को अपमानित करने का काम किया है। देखते हैं आज की अगली बड़ी खबर, IPL के बीच बड़ी पांड्या और राहुल की मुश्किलें, थमाया गया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल न्यायमूर्ति DK जैन ने टीवी चैट शो के दौरान महिलाओं के प्रति विवादास्पद टिप्पणी के मामले में सुनवाई के लिए भारतीय खिलाड़ियों हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को नोटिस भेजे हैं। कॉफी विद करण शो पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए प्रशासकों की समिति ने पांड्या और राहुल को अस्थायी रूप से निलंबित किया था। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं आज की अगली बड़ी खबर, जानिए नामांकन के बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या बोले मुलायम। समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव सोमवार की दोपहर अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ पहुंचकर मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। 77 वर्षीय सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने खुद को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर बताया। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं आज की अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को राहत, अग्रिम जमानत मंजूर। राजधानी की एक अदालत ने धन शोधन मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को सोमवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। पटियाला हाउस अदालत ने वाड्रा को अपना पासपोर्ट जमा कराने और बगैर उसकी अनुमति के देश छोड़कर बाहर जाने की शर्त पर जमानत दी है।